ओम नमः शिवाय। बच्चों, आज मैं संयुक्ताक्षर कराने जा रही हूँ। संयुक्ताक्षर मतलब दो व्यंजन वर्ण जब एक साथ युक्त होता है उसको संयुक्त व्यंजन वर्ण या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में अ साउंड रहता है। जब दो व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़ा जाता है तो पहले व्यंजन वर्ण से अ साउंड को हटा दिया जाता है। इस अ साउंड को हटाने के लिए अक्षर आधा हो जाता है या अक्षर के नीचे हलंत लगाना पड़ता है। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगता है वह अक्षर आधा माना जाता है, अर्थात उसमें से अ निकाल दिया जाता है। जिस तरह च प्लस च, पहले च आधा, दूसरा च पूरा, अच्छा पहले च के नीचे हलंत लगा हुआ है इसका मतलब उसमें से अ हटा दिया गया है। कच्चा सच्चा बच्चा, क क मक्का पक्का छक्का, द द, दो द एक साथ जब आता है तो द को आधा नहीं किया जाता है इसीलिए द के नीचे हलंत लगा रहता है। रद्दी गद्दी, ल प्लस ल, आधा ल पूरा ल, बल्ला दिल्ली बिल्ली। ट ट ट द ढ, इसको आधा नहीं किया जा सकता है। ठ, इसको आधा नहीं किया जा सकता इसीलिए जब इसको जोड़ा जाता है तो पहले वाले के नीचे हलंत लगा रहना पड़ता है। आधा ट पूरा ट, ट ट पट्टी खट्टा मिट्टी। न प्लस न, आधा न पूरा न, पन्ना मुन्नी गन्ना। आधा त पूरा त, पत्ता सत्ता गत्ता कुत्ता। उसके बाद स प्लस स, आधा स पूरा स, रस्सी लस्सी अस्सी। रससी पूरा स लिखेंगे तो साउंड होगा रससी, बट हम लोग रससी नहीं कहते, रस्सी कहते हैं। ज प्लस ज, आधा ज पूरा ज, सज्जन लज्जा। म प्लस म, आधा म पूरा म, चम्मच सम्मान मम्मी।